ब्रांड्स अक्सर मुझे अपने प्रोडक्ट्स नहीं भेजते क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि मैं आपको वो वाली बातें बताऊं जो वो आपको बताना नहीं चाहते। लेकिन वो एक और चीज नहीं जानते कि विनीत मल्होत्रा काम करता है आपके लिए, किसी ब्रांड के लिए नहीं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको हाईसेंस A6H के 43 इंच और 55 इंच टीवी का एक ऐसा रिव्यू दिखाने जा रहा हूं जिसे मैं कहता हूं ट्रू व्यू, और उसे देखने के बाद आप एक्चुअली में यही कहेंगे कि ऐसा ट्रू व्यू आपने कहीं और नहीं देखा। ट्रू रिव्यू यानी ट्रू व्यू आपको सिर्फ इसी चैनल पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इन सभी प्रोडक्ट्स को हम खुद खरीदते हैं, उसके बाद 100 आवर्स तक लगातार इसे यूज करते हैं। आपके लिए 100 आवर्स होगा 4 डेज, लेकिन हमारे लिए एक्चुअल यूसेज पैटर्न के हिसाब से वो बनता है 25 डेज ऑफ यूसेज। हम उसे 10 से 15 दिनों में खत्म करके ये देखते हैं कि इस टीवी की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, और उसके बाद आपको अपना रिव्यू देते हैं। इसीलिए मेरे वीडियोस में आने में टाइम लगता है, और क्योंकि ये ट्रू व्यू है इसीलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे लिंक से टीवी को खरीदिएगा, चाहे आज, चाहे कल, चाहे कभी भी। अगर आपने बाद में टीवी खरीदना है तो प्लीज VM1 टीवी लिस्ट को डाउनलोड करें और मेरे लिंक को अपनी परचेज के टाइम पे यूज करें, ताकि इस चैनल की आपके प्राइस को चेंज करे बिना बहुत ज्यादा फाइनेंशियल मदद हो, जिससे हम ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदें और आप तक सच्चे रिव्यूज लाके आपको एक ट्रू व्यू एक्सपीरियंस दे सकें। चलिए अब आपको सीधा इस टीवी की लुक्स के बारे में बताता हूं। बजट रेंज के अंदर एक बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ आने वाले A6H के अंदर आपको मेटल बॉडी देखने को मिलती है, जिसमें आपको बहुत थिन बेजल्स देखने को मिलेंगी। इस टीवी के अंदर आपको फार फील्ड माइक्रोफोन्स भी दिखेंगे और उसका कंट्रोल भी आपको फ्रंट में ही दिखेगा, विच इज वेरी गुड फॉर योर प्राइवेसी। अगर आपने इस टीवी को टेबल माउंट करना है तो आपको स्टैंड्स प्लास्टिक के मिलेंगे, लेकिन उनकी बिल्ड क्वालिटी इज ऑसम। एंड यू गेट ऑलमोस्ट ऑल द कनेक्टिविटी ऑप्शंस, इंक्लूडिंग द HDMI पोर्ट्स, USB पोर्ट्स, और उस HDMI पोर्ट्स के अंदर आपको एक HDMI 2.1 EARC पोर्ट मिलेगा, एंड दैट इज फैंटास्टिक। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट अ ब्लूटूथ 5.1 एंड डुअल बैंड Wi-Fi सपोर्ट इन बोथ दीज टीवीज। इनफैक्ट आपको 43, 50 या 55 इंच कोई भी टीवी लेंगे तो आपको यही सपोर्ट देखने को मिलेगी। रिमोट कंट्रोल की बात करें तो इसके अंदर आपको एक अच्छा ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड के कॉम्बिनेशन वाला रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है, और इसमें अब आपको हॉटकीज थोड़ी और ज्यादा देखने को मिलती हैं। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, YouTube, सोनी लिव, डिज्नी हॉटस्टार एंड मीडिया। ऑल इन ऑल आई कैन से कि लुक्स और बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको इस टीवी से बिल्कुल भी शिकायत नहीं होने वाली, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लव इट। फालतू छोटी छोटी बातें तो हो गई, अब आपको मेन चीज यानी पिक्चर क्वालिटी के बारे में बताता हूं। आप देख रहे हैं दोनों ही टीवीज पे सेम वीडियो चल रहा है, लेकिन कलर प्रोफाइल दोनों ही टीवीज के अंदर कितनी डिफरेंट है, एंड दैट इज बिकॉज दोनों टीवीज के अंदर पैनल बिल्कुल डिफरेंट है। यस, हाईसेंस के A6H 43 इंच एंड 50 इंच टीवी के अंदर आपको VA पैनल देखने को मिलेगा, और 55 इंच के अंदर आपको IPS पैनल देखने को मिलेगा। ये दो टाइप के अलग अलग पैनल बिल्कुल अलग अलग पिक्चर क्वालिटी आपको दिखाते हैं। इन दोनों ही पैनल्स के अंदर आपको अलग ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, एंड दे आर बोथ वेरी गुड पैनल्स, बट दे ऑल्सो कम विद अ फ्यू कॉन्स, वो सब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ब्राइटनेस टेस्ट दिखाता हूं। 43 इंच का ब्राइटनेस टेस्ट जब हमने किया तो उसकी पीक HDR ब्राइटनेस 10% से 100% विंडो के बीच में हमें देखने को मिली, एवरेज में अबाउट 350 टू 370 निट्स। लेकिन जैसे ही हमने 55 इंच टीवी का ब्राइटनेस टेस्ट किया तो उसमें भी सिमिलर 10% से लेके 100% विंडो के अंदर एवरेज ब्राइटनेस हमें देखने को मिली 470 निट्स के आसपास, एंड दैट इज ह्यूज। तो ये फर्क क्यों है? हाईसेंस के अपने 43 इंच मॉडल से कंपेयर करता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू नीड मोर ब्राइटनेस इन एनी बिगर साइज टीवी, और यही चीज आपको देखने को मिलेगी इस सीरीज के अंदर। द बिगर साइज यू गेट मोर ब्राइटनेस, मोर बैकलाइट LEDs, जिससे आपको कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं इन दोनों ही टीवीज के अंदर, या फिर आप ये कह सकते हैं 43 और 50 इंच के VA पैनल के और 55 इंच के IPS पैनल टीवी के अंदर जो आपको कलर प्रोफाइल मिलेगी वो भी बहुत ज्यादा अलग है एक दूसरे से। इनके अंदर एक बेसिक डिफरेंस है पैनल का, VA वर्सेस IPS, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द कलर प्रोफाइल आल्सो। आप इन वीडियोस को देखिए, सेम सेटिंग, सेम ब्राइटनेस, सेम पिक्चर मोड के अंदर इन दोनों टीवीज के अंदर सेम वीडियोस प्ले किए जा रहे हैं,
लेकिन कलर प्रोफाइल में आपको थोड़ा फर्क देखने को मिलेगा। ये एक VA और IPS पैनल का बेसिक डिफरेंस तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इनमें कलर मैनेजमेंट भी थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलेगी दोनों पैनल्स के बीच में। कई लोग ये डिबेट कर सकते हैं कि हाइसेंस एक ही सीरीज के टीवीज के अंदर दो अलग अलग टाइप की कलर ऑप्टिमाइजेशन को कैसे रन कर सकता है, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि क्यों नहीं, क्योंकि दोनों ही टीवीज के अलग अलग बायर्स हैं, दोनों ही पैनल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, और 43 इंच और 50 इंच के अंदर जो आपको वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिल रहे हैं, दैट इज व्हाट इंडिया नीड्स, वाइब्रेंट कलर्स एंड वेरी डीप ब्लैक्स। आप ब्लैक्स की प्रोफाइल देखिए इन दोनों ही टीवीज के अंदर, सर्टेनली आपको IPS पैनल के अंदर ब्लैक्स उतने डीप और उतने डार्क नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप VA पैनल की तरफ देखेंगे, द ब्लैक्स आर जस्ट ऑसम। लेकिन ब्लैक्स के साथ साथ आप इन कलर्स को भी नोट करिए, एक ही सीरीज के दो टीवीज के अंदर कलर प्रोफाइल इज स्लाइटली डिफरेंट। मेरे हिसाब से 55 इंच के IPS पैनल टीवी की जो कलर प्रोफाइल है, दैट इज मोर क्लोजर टू नेचुरल कलर प्रोफाइल, और 43 इंच और 50 इंच के VA पैनल टीवीज के अंदर आपको विविड कलर प्रोफाइल देखने को मिलेगी। द कलर्स आर स्लाइटली ओवर सैचुरेटेड एंड मोर वाइब्रेंट। इट इज नॉट अ वेरी बैड थिंग, बट आपको इस बात का पता होना चाहिए, और एक और बात पता होनी चाहिए कि आप इन कलर प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं एंड यू डोंट नीड टू कैलिब्रेट एवरी कलर मैन्युअली। आप सिर्फ पिक्चर मोड को चेंज करके कलर प्रोफाइल को नेचुरल भी कर सकते हैं। आई एम टेस्टिंग बोथ दीज टीवीज इन द सेम पिक्चर मोड, ताकि आपको मैं वही एग्जैक्ट फर्क दिखाने की कोशिश कर सकूं जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूं। इस फर्क को आगे मैं और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आपको OTT परफॉर्मेंस दिखाता हूं दोनों ही टीवीज के अंदर, इंडिविजुअली भी और एक साथ भी। आपको नेटफ्लिक्स की परफॉर्मेंस दोनों ही टीवीज के अंदर बहुत शानदार देखने को मिलेगी, और क्योंकि ये टीवी डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है, आप नेटफ्लिक्स पे डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस दोनों का ही टैग देख सकते हैं। दोनों में कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे भी लग रहे हैं, और आपको दोनों ही साइजेस के अंदर डिटेल्स बहुत ज्यादा दिख रही हैं, क्योंकि दोनों ही पैनल्स में ब्राइटनेस अच्छी है। डॉल्बी विजन के अलावा ये दोनों टीवीज और इसका 15 इंच साइज भी HDR10 और HLG को भी सपोर्ट करता है, और HDR10 के कंटेंट को हमने जब Amazon Prime पे चेक किया तो उसकी परफॉर्मेंस भी हमें बहुत ही ज्यादा शानदार देखने को मिली। हर डिटेल बहुत ज्यादा अच्छे से ये टीवी दिखा पा रहे हैं, कलर्स बहुत ज्यादा नेचुरल हैं, चाहे वो सैंड का कलर हो चाहे कार्स का, और दोनों ही टीवीज के अंदर ब्राइटनेस की कहीं पे भी मुझे कमी देखने को नहीं मिली। और ब्राइटनेस की कमी का मतलब ये नहीं कि ब्राइटनेस आपको किसी पर्टिकुलर सीन के अंदर कम देखने को मिले। ब्राइटनेस की कमी का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर टीवी के अंदर इतनी कम ब्राइटनेस हो जिससे वो पूरे कलर्स प्रॉपरली दिखा ना पाए, दैट इज कॉल्ड द लेस ब्राइटनेस। वो मुझे इन दोनों ही पैनल्स के अंदर देखने को नहीं मिली, जबकि इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 100 निट्स कम ब्राइटनेस है 55 इंच साइज से। डिस्पाइट दैट दिस टीवी इज परफॉर्मिंग एक्सलेंटली। Amazon Prime को हमने एक और टाइप के कंटेंट को प्ले करने के लिए यूज किया, एंड दैट इज द SD कंटेंट। आप देखिए SD कंटेंट को ये टीवीज कितने शानदार तरीके से अपस्केल करके इस 4K पैनल पे दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने SD कंटेंट को Amazon Prime पे ही चला के टेस्ट किया, हमने SD कंटेंट को सेट टॉप बॉक्स से भी चला के चेक किया, क्योंकि आधे से ज्यादा इंडिया जो SD और HD चैनल्स को देख के एंजॉय करता है, उनको भी तो हमने जवाब देना है। SD चैनल की परफॉर्मेंस अगर आप इन दोनों ही टीवीज पे देखेंगे तो आपको अच्छी देखने को मिलेगी। दिस इज नॉट द एक्सीलेंट द बेस्ट परफॉर्मेंस इन SD चैनल्स, लेकिन आप वो किसी भी 4K टीवी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो ये टीवी अपस्केल कर रहा है वो बहुत अच्छा है, दैट इज व्हाट आई कैन से। लेकिन जैसे ही आप HD चैनल पे जाएंगे तो आपको जो परफॉर्मेंस इन दोनों ही टीवी से देखने को मिलेगी, दैट इज आउटस्टैंडिंग। जो कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो अपस्केलिंग आपको देखने को मिलती है, दैट इज सिंपली वेरी वेरी गुड। इसके अलावा भी हमने कई टाइप की टेस्टिंग करी इन दोनों ही टीवीज पे, वो आपको आगे दिखाता हूं, लेकिन आपको पहले बता दूं कि इस दोनों टीवीज के अंदर, इनफैक्ट 50 इंच के अंदर भी आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड भी देखने को मिलेगा, और 48 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज तक का VRR यानी वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा।
वो मेरे हिसाब से कोई बहुत बढ़िया फीचर नहीं है, लेकिन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपके पास एक गेमिंग कंसोल है और आप गेमिंग करने के शौकीन हैं तो इन दोनों ही टीवीज पे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि एज पर हाईसेंस द रिस्पॉन्स टाइम इज 8 to 9 milliseconds which is very very good। अब आपको स्ट्रेट दिखाता हूँ इन दोनों ही टीवीज पे जो हमने टेस्टिंग करी उसकी परफॉर्मेंस भी हमें अच्छी लगी। आप ये डिमिंग टेस्ट देख सकते हैं और इसके अंदर हमें दोनों ही टीवीज की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली और मैं इसे रेट करूंगा अप्रोक्सीमेटली 8 out of 10। अब इस टीवी के अंदर 48 हर्ट्ज से लेके 60 हर्ट्ज तक का VRR है तो हमें उसे भी चेक करना था। गेमिंग कंसोल मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे पास विंडमिल टेस्ट है जिसे चला के हमने इन दोनों ही टीवीज के अंदर मोशन ब्लर को चेक किया एंड जानते हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। मेरे हिसाब से 7.5 out of 10। ये टीवी बहुत ज्यादा शानदार तरीके से मोशन ब्लर को कंट्रोल नहीं कर सकता लाइक एनी अदर बजट टीवी एंड दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। किसी भी बजट टीवी के अंदर आपको बहुत शानदार वेरिएबल रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिल सकता। कोई 120 हर्ट्ज के पैनल नहीं है ये और लेट्स एक्सेप्ट इट कि इस बजट के अंदर आपको वैसे पैनल मिल भी नहीं सकते। सो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको उस डिपार्टमेंट में नहीं रखनी चाहिए इस टीवी से। ये नॉर्मल 4K बजट टीवी के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मेरे हिसाब से इतना मोशन ब्लर होना इज एब्सोल्युटली ओके। हमने इस टीवी की परफॉर्मेंस को USB से कंटेंट प्ले करके भी चेक किया, उसे आप देखिए। इसके अंदर जब HD कंटेंट को हम प्ले करते हैं तो दोनों ही टीवीज बहुत अच्छे से उसे अपस्केल करके स्क्रीन पे दिखाते हैं। जब हम फुल HD यानी 1080p का कंटेंट अपस्केल करने की कोशिश करते हैं तो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इस टीवी का। एंड ऑब्वियसली 4K टीवी है तो 4K कंटेंट को USB से बहुत शानदार तरीके से ये दोनों ही टीवीज प्ले कर रहे हैं। एंड्रॉयड 11 गूगल OS आपको इस टीवी के अंदर देखने को मिलता है और साथ में आपको 16GB की स्टोरेज मिलती है, लेकिन फ्री यूजेबल स्टोरेज आपको इन दोनों टीवीज में रादर तीनों टीवीज के अंदर 7.3GB के आसपास देखने को मिलेगी, बिकॉज एंड्रॉयड 11 इज अ हैवी सॉफ्टवेयर और वो स्पेस थोड़ी ज्यादा लेता है। एंड वेन यू स्विच ऑन दीज टीवीज तो आपको गूगल OS देखने को मिलेगा। आपकी कॉन्टेंट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको टाइल्स देखने को मिलेंगी और आपको सभी OTT एप्स मेजर एप्स टीवी के अंदर प्री डाउनलोडेड देखने को मिलेंगी। ये बहुत फेमिलियर UI है और आपको जो ऐप इसमें नहीं देखने को मिलती उसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस टीवी के अंदर मीराकास्ट की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी और एप्पल एयरप्ले की भी सपोर्ट देखने को मिलेगी एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर एप्पल यूजर्स। आप अपनी आईफोन की स्क्रीन को इन टीवीज पे कास्ट कर सकते हैं एंड दैट्स अ डिलाइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको मैं इन दोनों ही टीवीज का ऑडियो टेस्ट भी सुनाता हूँ। दोनों ही टीवीज के अंदर आपको 20W के स्पीकर्स मिलेंगे जो कि डाउन फायरिंग है और डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। सुनिए जल्दी से ऑडियो टेस्ट। मैं इन दोनों ही टीवीज की ऑडियो क्वालिटी को एवरेज से थोड़ा सा मीडियम की तरफ जाते हुए रेट करूंगा। दे आर नॉट परफेक्ट, दे आर नॉट द बेस्ट। अगर आपका बड़े साइज का रूम है तो आपको इस टीवी के साथ डेफिनेटली एक साउंड बार या होम थिएटर सिस्टम लगाना पड़ेगा, बट दे साउंड गुड एंड दे साउंड क्रिस्प एंड क्लियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ताकि आपको डायलॉग सुनने में कोई परेशानी ना हो, जो मुझे इस टीवी में देखने को मिला। बट अल्टीमेटली अगर आपको एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए, रिमेंबर माय वर्ड, आपको एक साउंड बार इन टीवीज के साथ खरीदनी पड़ेगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोज एंड कॉन्स की तरफ, लेकिन उससे पहले प्राइस। 43 इंच आपको 30,000 का पड़ेगा, 50 इंच आपको 34,000 का मिलेगा और हाईसेंस का A6H का 55 इंच आपको इस समय 40,000 के आसपास कॉस्ट करेगा। 43 और 50 के अंदर आपको VA पैनल देखने को मिलेगा, 55 के अंदर आपको IPS पैनल देखने को मिलेगा। दोनों ही टाइप के पैनल्स के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं।
43 और 50 के VA पैनल के प्रोज में बहुत ज्यादा अच्छे ब्लैक्स आते हैं, आपको ऐसे ब्लैक्स 55 में देखने को नहीं मिलेंगे। दैट इज एन IPS पैनल और उसके अंदर आपको ब्लैक्स में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दे आर नॉट बैड बट दे आर नॉट द बेस्ट लाइक VA पैनल। आपको कलर्स दोनों ही टीवीज के अंदर दोनों ही टाइप के पैनल्स में बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन 43 और 50 के VA पैनल के अंदर आपको थोड़े ज्यादा विविड कलर्स, ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलेंगे। इफ यू डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ कलर प्रोफाइल तो आपको पिक्चर मोड चेंज करना है एंड यू विल बी गुड टू गो। आपको नेचुरल कलर प्रोफाइल देखने को मिलेगी इन्हीं टीवीज से। लेकिन 43 और 50 के VA पैनल के अंदर एक प्रॉब्लम है, आपको थोड़े से वॉश्ड आउट कलर्स और ब्राइटनेस देखने को मिलेगी इन द व्यूइंग एंगल्स। अगर आप उसे एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट से देखेंगे तो आपको वॉश्ड आउट कलर्स देखने को मिलेंगे एंड दैट इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी VA पैनल। आप IPS पैनल के जब व्यूइंग एंगल्स देखेंगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी और उसके अंदर आपको बहुत शानदार अच्छे कलर्स और ब्राइटनेस देखने को मिलेंगी साइड से भी। ब्राइटनेस और कलर लॉस इज नॉट मोर देन 10-15% एंड दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी IPS पैनल। अब आपको दो ऐसे कॉन्स बताता हूं जो तीनों ही साइजेस के अंदर कॉमन है, चाहे आप कोई भी पैनल ले लें। आप यूट्यूब ऐप को जब इन टीवीज में खोलेंगे और उसमें 4K रेजोल्यूशन में कोई भी वीडियो देखेंगे तो पिक्चर प्रोफाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगी एंड दैट इज अ स्मॉल बग इन द यूट्यूब ऐप। जब भी आपके टीवी के अंदर यूट्यूब ऐप अपडेट होगी उससे वो बग सॉल्व हो सकता है एंड आई थिंक हाइसेंस इसे बहुत जल्दी पुश करेगा थ्रू OTT अपडेट एंड यू विल नॉट फेस दिस प्रॉब्लम। हाउएवर अगर आप उसी वीडियो को 4K रेजोल्यूशन के बजाय किसी और रेजोल्यूशन में देखेंगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। और दूसरी चीज जो आपको तीनों ही टीवीज के अंदर कॉमन देखने को मिलेगी वो है VRR फ्रॉम 48Hz टू 60Hz। ये मेरे हिसाब से एक मार्केटिंग गिमिक है और इस टाइप के पैनल के अंदर आपको ये फीचर मिल रहा है उसकी बहुत ज्यादा कोई एडवांटेज नहीं है। इसके अलावा आपको इसमें रिमोट फाइंडर जैसी एक फीचर भी मिलता है जिसे हमने टेस्ट तो किया बट आई थिंक अगर आप ये टीवी खरीद रहे हैं तो आपके बच्चे इस चीज को यूज करके बहुत खुश होंगे, लेकिन मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ा हार्ड सेलिंग पॉइंट नहीं है। हाउएवर यू ऑल्सो गेट फार फील्ड माइक्रोफोन्स इन दीज टीवीज। ये एक अच्छा फीचर है और आपको रिमोट ना यूज करने की कैपेबिलिटी देता है जब भी आप ऐसा चाहें एंड दैट इज अ गुड थिंग टू हैव। नाउ कमिंग टू द प्रोज, इन तीनों ही टीवीज के अंदर आपको बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी क्योंकि इनमें ब्राइटनेस की कहीं से भी कोई कमी नहीं है। आपको 370 nits के आसपास VA पैनल की ब्राइटनेस मिलती है और 470 nits की आपको IPS पैनल में ब्राइटनेस मिलती है। इस टाइप की ब्राइटनेस Dolby Vision सपोर्ट आपको शायद किसी भी और टीवी में ना देखने को मिले इस रेंज में। लेट अस डू अ क्विक कंपैरिजन। मी टीवी 5X, Redmi टीवी, Nokia टीवी, Motorola टीवी, OnePlus टीवी और Realme टीवी, इन सभी के अंदर पिक्चर क्वालिटी इज नॉट एज सुपीरियर एज दिस टीवी। और मैं ये सब कंपैरिजन सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी कंफ्यूजन को मैं इस वीडियो में एंड करना चाहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं दैट दिस टीवी कम्स विद अ वेरी गुड पिक्चर क्वालिटी। आप जब टीवी खरीदते हैं तो आप उसे देखते हैं और आपको अगर पिक्चर क्वालिटी समझ में नहीं आएगी, आपको वो अच्छी नहीं लगेगी, देन यू वॉन्ट एंजॉय दैट टीवी। दूसरा पॉइंट भी आपको समझना है कि आप एक टीवी खरीदते हैं, आप 4 टीवी खरीद के उसका कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन हम बहुत सारे टीवीज खरीदते हैं और उन सभी टीवीज को साथ में कंपेयर करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि कौन से टीवी की पिक्चर क्वालिटी ज्यादा बेटर है और कौन से में आपको ब्राइटनेस कम होने की वजह से ज्यादा कलर्स नहीं दिख पा रहे हैं। जिन टीवीज का मैंने इससे पहले नाम लिया था उनमें ब्राइटनेस की कमी या फिर पिक्चर क्वालिटी में कलर ऑप्टिमाइजेशन की कमी की वजह से आपको उतने अच्छे कलर्स नहीं देखने को मिलेंगे जितने आपको इन टीवीज के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ IPS पैनल, लेकिन मैं बायस्ड ओपिनियन IPS पैनल की तरफ नहीं दूंगा। VA पैनल के अंदर भी आपको बहुत अच्छे कलर्स देखने को मिलते हैं। द डीप ब्लैक्स आर जस्ट ऑसम। आपको इतने अच्छे ब्लैक्स किसी बेडरूम में अगर आप ये टीवी लगाएंगे, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। आपको इस टीवी के अंदर एक साउंड बार मेरे हिसाब से लगानी चाहिए जिससे आप अपने एक्सपीरियंस को और एनहेंस कर पाएंगे एंड आई थिंक हाई सेंस
has got a winner in its hand with these models and they are going to outsell. जाते जाते आपको एक और चीज समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपकी और थोड़ी कंफ्यूजन एंड हो. किसी भी बजट टीवी को आपको QLED टीवी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि उस QLED टीवी के अंदर चाहे वो किसी भी टाइप के पैनल के साथ आता हो एक क्वांटम डॉट फिल्टर लगा होता है जो कलर्स को और फर्दर प्योरीफाई करता है जिससे पिक्चर क्वालिटी आपको और थोड़ी बेहतर देखने को मिलती है और वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है. लेकिन इस रेंज में आने वाले टीवीज को अगर मैंने कंपेयर करके आपको बताया कि ये टीवी बेहतर है देन आई टॉक अबाउट ऑलवेज द पिक्चर क्वालिटी एंड आई थिंक पिक्चर क्वालिटी में Hisense A6H इज फार बेटर. चॉइस अब आपकी है, आपने इस टीवी को खरीदना है या नहीं ये आपने डिसाइड करना है और कब खरीदना है ये भी आपने डिसाइड करना है. लेकिन एक चीज मेरे कहने से मेरी बात मानिएगा कि मेरे लिंक को यूज करके इस टीवी को खरीदिएगा, इससे इस चैनल की बहुत ज्यादा फाइनेंशियली मदद होती है और हमारा हौसला आपकी वजह से बहुत ऊपर तक जाता है जिससे हम बिना किसी ब्रांड के प्रेशर में आए ऐसे रिव्यूज आपको दिखा पाते हैं जिसे हम ट्रू व्यू बोलते हैं. और उसमें बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है, लेकिन आपके लिए हम वो सब काम करते हैं. मेरे अफिलिएट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे और VM1 टीवी लिस्ट में भी मिलेंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ऊपर देखने को मिलेगी. उसे डाउनलोड करिए, अपने पास रखिए और जिस दिन टीवी खरीदना हो याद रखिएगा कि VM1 टीवी लिस्ट को जरूर ओपन करना है. और आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में. और अगर आपका कोई सवाल है जो मैंने इस टीवी के वीडियो के अंदर आंसर नहीं किया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा. और मैं आपको मिलता हूं बहुत ही जल्दी एक और बेहतरीन वीडियो में बहुत जल्दी. थैंक यू सो मच.